अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम वी टॉक अबाउट द वेदरिंग, हमने वेदरिंग और इरोजन में डिस्कशन डिफरेंस देखा, वेदरिंग क्या होता है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेदरिंग, तीन तरह की वेदरिंग होती है, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है, फर्दर इसकी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी, एक्सफोलिएशन, फ्रॉस्ट वेजिंग, सॉल्ट वेजिंग, टेम्परेचर चेंजेस, एब्रेशन। वी टॉक अबाउट एक्सफोलिएशन, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, जिसमें प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द फ्रॉस्ट वेजिंग, जिसमें क्या होता है, क्रैक्स के अंदर पानी जमा जाता है और वो फ्रीज हो जाता है, फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाती है इसके। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर की वजह से जो क्रैक्स आते हैं रॉक्स के अंदर, उसके बारे में हमने बात की। टुडे वी विल टॉक अबाउट द सॉल्ट वेजिंग, सॉल्ट वेजिंग इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। इसमें क्या होता है, सॉल्ट वेजिंग अकर्स व्हेन सॉल्ट क्रिस्टलाइज आउट ऑफ सॉल्यूशन एज वाटर इवेपोरेट्स। एज द सॉल्ट क्रिस्टल्स ग्रो, दे अप्लाई प्रेशर टू द सराउंडिंग रॉक्स, वीकन इट अंटिल इट इवेंचुअली क्रैक्स एंड ब्रेक डाउन, एनेबलिंग द सॉल्ट क्रिस्टल टू कंटिन्यू ग्रोइंग। अब इसमें क्या होता है कि जब सॉल्ट जो है क्रिस्टलाइज्ड होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में बनता है, तो रॉक्स के अंदर क्या होता है, वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सपैंड होने की वजह से क्या करता है, रॉक्स को वीक कर देता है, वीकन्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है। सो दिस इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एब्रेशन, एब्रेशन occurs when rocks collide against each other while they are transported by water, glacial, ice, wind or gravitational force. During abrasion, rocks may also weather the bedrock surface they are coming into contact with, as well as breaking into smaller particles and eventually individual grains. अब क्या होता है, जब इन पत्थरों में से पानी गुजरता है तो ये क्या करते हैं, इन रॉक्स की ब्रेक डाउन, इन पत्थरों की ब्रेक डाउन कर देते हैं, इनको तोड़ फोड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वेदरिंग होती है, एब्रेशन की होती है, वेदरिंग होती है। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग अनदर टाइप ऑफ वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, डिकम्पोजेस, डिब्सॉल्व, ऑल्टर और वीकन्स द रॉक थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, जिसमें क्या होता है, रॉक्स जो होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, या ऑल्टर हो जाती हैं, ऑल्टर हो जाती हैं by chemical processes. So carbonation, hydrolysis, hydration, oxidation and solution, these all are the type examples of the chemical weathering. First one is chemical weathering mein carbonation hai. Carbonation is a process by which carbon dioxide and rainwater or moisture in the surrounding environment chemically react to produce carbonic acid, weak acid that reacts with carbonate minerals in the rock. अब इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में प्रेजेंट है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी और वो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जो कि एक वीक एसिड है। अब ये जो वीक एसिड है, जब इन रॉक्स के ऊपर आता है, बारिश के थ्रू इनके थ्रू ऊपर अप्लाई होता है, तो क्या होता है कि लाइमस्टोन जो इस रॉक्स के ऊपर जो में जो लाइमस्टोन है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ये दोनों आपस में कार्बोनिक एसिड के साथ मिलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ठीक हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज एन एसिड, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, रॉक पीक हो जाती है और इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। सो दिस इज द केमिकल वेदरिंग। अनदर एग्जांपल इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एच प्लस एंड ओएच आयंस इन अ वाटर एंड द मिनरल्स इन द रॉक। द एच प्लस आयंस इन द वाटर रिएक्ट विद द मिनरल्स टू प्रोड्यूस वीक एसिड। अब क्या होता है कि H प्लस और OH आयंस वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब ये रॉक्स में जो मौजूद मिनरल्स हैं उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वीक एसिड बना देते हैं। वीक एसिड बनने की वजह से ये रॉक्स को क्या कर देता है, इंटरनली सॉफ्टन कर देता है, कमजोर कर देता है, वीक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने की वजह से क्या होता है, वेदरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है रॉक्स में। द नेक्स्ट वन इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन
Hydration is a process where mineral structure in the rock form a weak bond with water, which causes the mineral grains to expand. ठीक हो गया. अब इसमें कहते हैं मिनरल स्ट्रक्चर इन द रॉक्स फॉर्म अ वीक बॉन्ड. वीक बॉन्ड बना लेते हैं वाटर के साथ जो मिनरल्स रॉक्स के अंदर होते हैं, और क्या करते हैं स्ट्रेस कॉज करते हैं रॉक्स में, जिसकी वजह से क्या हो जाती है रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है. डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से क्या हो जाती है रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती है. हाइड्रेशन ऑफन प्रोड्यूस अ न्यू मिनरल कंपाउंड दैट इज लार्जर देन द ओरिजिनल कंपाउंड, सो द इंक्रीज साइज एक्सपेंड द रॉक एंड कैन लीड टू डिके. जब इंक्रीज साइज हो जाएगा ठीक हो गया सोल्यूशन वाटर की वजह से, तो फिर क्या हो जाएगा रॉक एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करने की वजह से क्या होगी इसमें ब्रेक डाउन होगी या इट मूव टूवर्ड्स द डिके. द नेक्स्ट इज हाइड्रेशन कैन ऑल्सो लीड टू कंट्रोल चेंजेस इन द वेदर्ड रॉक सरफेस. सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्राइट कैन ऑब्जॉर्ब टू वाटर मॉलिक्यूल. जब ये वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जॉर्ब करेगा तो ये एक नया सोल्यूशन बना देगा जिप्सम. जिप्सम जो है फिर रॉक्स के साथ क्या उसको करेगा उसको वीक कर देगा disintegration में और decay में help करेगा. The next example is oxidation. Oxidation occurs when oxygen and water react with iron rich minerals. अब क्या होता है जब oxygen और पानी आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर उसके साथ iron rich minerals के साथ मिलते हैं, तो क्या करते हैं minerals की structure को, ये rocks के अंदर जो minerals होते हैं उसके structure को क्या कर देते हैं कमजोर कर देते हैं, weak कर देते हैं. So during oxidation the minerals in the rock will change color, जिसकी वजह से इसका color change हो जाता है, taking on a rusty reddish or orange appearance, जिसकी वजह से इसका color change होने की वजह से ये rusty reddish color हो जाता है, orange color में हो जाता है. नेक्स्ट वन इज सोल्यूशन. सोल्यूशन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, केमिकल वेदरिंग में किस तरह से हेल्पफुल ये प्रोसेस करता है. सोल्यूशन अकर्स व्हेन मिनरल्स इन द रॉक डिसॉल्व डायरेक्टली इनटू वाटर. अब सोल्यूशन कैसे बनते हैं, जब मिनरल्स जो हैं वाटर के साथ डायरेक्टली डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होने की वजह से सोल्यूशन बनते हैं. सोल्यूशन मोस्ट कॉमनली अकर ऑन रॉक्स कंटेनिंग कार्बोनेट सच एज लाइमस्टोन, बट मे ऑल्सो अफेक्ट रॉक्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ हैलाइट और रॉक सॉल्ट. Is it clear? So the next one is third type is biological weathering. Biological weathering जो के organisms या physical or chemical agents की वजह से weathering होती है, जिसकी वजह से disintegration और decay of rocks होते हैं minerals की. So इसमें examples जो है आगे organic activity from lichens and algae. Algae और lichens की वजह से जो activity होती है rock disintegration by plant growth. जब plant grow हम करवाते हैं rocks के ऊपर तो कैसे disintegration और decay होता है rocks का. Burrowing and tunneling organisms, secretion of acids. Let's discuss one by one. So the first one is organisms activity. In this, some animals may burrow or tunnel into rocks or cracks in rocks and cause the rocks to break down and disintegrate. अब क्या होता है? Rocks के अंदर उसकी burrows में उसकी tunnels में कुछ animals रहते हैं. Like अगर हम बात करें ये worms. स्नेल्स की बात करें, पेंसिल्स की बात करें, ये सारे के सारे रॉक्स के क्रैक्स के अंदर रहते हैं. ठीक हो गया. पत्थरों में भी कुछ जानवर कीड़े वगैरह जानदार इस तरह की चीजें रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रैक्स पड़ जाते हैं पत्थरों में. ठीक है, रॉक्स के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं और फिर क्या होता है उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है. सो सम ऑर्गेनिज्म सच एज स्नेल्स, पेंसिल्स, लिम्पेट्स अटैच देमसेल्व्स टू द रॉक्स एंड सिक्रीट एसिड्स. जब ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं इन पत्थरों के साथ, इन लाइमस्टोन्स के साथ, तो क्या करते हैं ये एसिड्स रिलीज करते हैं. एसिड रिलीज करने की वजह से क्या करते हैं, एसिड के रिलीज होने की वजह से ये जो रॉक्स हैं ये केमिकली डिसॉल्व हो जाती हैं. डिसॉल्व होने की वजह से कमजोर हो जाती हैं और ये अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं या फिर ब्रेक डाउन हो जाती है. दिस इज द वेदरिंग. अनदर एग्जांपल इज प्लांट रूट. The most common form of biological weathering is when plant roots penetrate into cracks and creeps of rocks and cause the rock to split or break into smaller particles through mechanical weathering. अब इसमें क्या होता है कि sometimes ऐसे होता है कि पहाड़ों के ऊपर या पत्थरों के ऊपर ही क्या है plants grow करना start कर जाते हैं. Plant की growth की वजह से आप जो creeps और cracks के अंदर से plant grow करना start करेंगे तो पत्थर जो है वो टूटना start हो जाएंगे. ठीक हो गया. जब रूट्स उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे तो वो क्रैक्स और क्रीव्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है रॉक्स की ब्रेकडाउन होती है या वेदरिंग होती है. नेक्स्ट इज लाइकन, एल्जी एंड डिकेइंग प्लांट्स. द बायोकेमिकल वेदरिंग प्रोसेस लीचेस मिनरल्स फ्रॉम द रॉक कॉजिंग इट टू वीकन एंड ब्रेक डाउन. द डिकेइंग ऑफ प्लांट मटीरियल कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एसिडिक कंपाउंड्स व्हिच डिसॉल्व द कंपोज्ड रॉक.
ठीक हो गया। अब क्या होता है, कुछ इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि एसिडिक कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं, जब वो रॉक्स के अंदर ग्रो करते हैं तो एसिडिक कंपाउंड्स को रॉक्स में रिलीज करते हैं, जब रिलीज करते हैं तो वो एसिड कंपाउंड्स की वजह से रॉक्स जो है अंदर से गलना स्टार्ट हो जाती है, डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग एक्सपेंडिंग और मूविंग अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द रॉक ऑल्सो एक्सर्ट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्रेशन एंड प्रेशर दैट ग्रेजुअली कॉज द मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक एज द ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट वेरियस मिनरल्स। ठीक हो गया, जिसकी वजह से क्या होती है, प्रेशर होती है, प्रेशर इंक्रीज होता है, मैकेनिकल वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वेरियस ऑर्गेनिज्म जो है वेरियस मिनरल्स अपने लिए गेट करता है। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल वेदरिंग। डिफरेंशियल वेदरिंग क्या है, वेदरिंग रेट्स विल नॉट ओनली वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, वेदर इट इज मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, बट दे ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन द रॉक मटीरियल दैट इज बींग वेदर्ड। सम रॉक्स आर हार्डर देन अदर रॉक्स, कुछ रॉक्स जो होती हैं हार्डर होती हैं, ठीक हो गया, जिसमें क्या होता है कि वेदरिंग का प्रोसेस स्लोअर हो जाता है, ठीक हो गया, देन सॉफ्टर रॉक्स। द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ वेदरिंग ड्यू टू द डिफरेंस टाइप्स ऑफ रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग होगी, जस्ट डिपेंड ऑन द टेक्सचर और अदर करेक्टरिस्टिक्स इज रेफर्ड टू एज डिफरेंशियल वेदरिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल वेदरिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन different types of rocks. Climate can also produce differential weathering responses for the same rock type. For example, limestone weathers more quickly in wet. Limestone जो है वो wet में जो है easily quickly weathered हो जाएगा as compared to the dry condition या dry climate में. So it's all about weathering type, weathering and its types. Now we have to discuss about the soil texture. This is another type of other application of soil. Soil texture kya hai? Texture indicates the relative content of particles of various size such as sand, silt and clay in the soil. Texture influences the ease with which soil can be worked. The amount of water and air it holds and the rate at which the water can enter and move through soil. ठीक हो गया, soil texture basically kya hai? Various size. सैंड सिल्ट वगैरह जो है या क्ले है उसके क्या क्या साइजेस हैं, इट शोज द साइजेस ऑफ द दीस पार्टिकल्स। सो सॉइल सेपरेट्स, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सॉइल कंटेंट्स कॉल्ड सॉइल सेपरेट्स। अब अगर हम इस डायग्राम इस टेबल में देखें तो ये नेम्स ऑफ सॉइल सेपरेट्स हैं, जैसे वेरी कोर्स सैंड, इसका क्या डायमीटर है, 2 to 1 millimeter डायमीटर है, कोर्स सैंड है 1 to 0.5 है, मीडियम सैंड है 0.5 to 0.25 है, फाइन सैंड है 0.25 to 1.01 है, और उसके बाद वेरी फाइन सैंड 0.1 to 0.05 एंड सिल्ट हैव 0.05 to 0.002 डायमीटर एंड क्ले लेस देन 0.002। सो दिस इज द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल साइजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ सॉइल। हम फिजिकल और केमिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, सॉइल की किस किस तरह की नेचर है। First one is gravel. These are small fragments represent the rock from which soil formed. Gravel bajri ko present karte hai, composed of minerals and coarse sand. Kisse milkar bane hote hain? Minerals se aur coarse sand se milkar bane hote hain. Its size is 2 to 0.05 millimeter. Next is sand. Sand is another particle of soil. Sand grains are rounded and irregular in shape. Size is 0.05 to 2 millimeter. एंड सैंड पार्टिकल्स डू नॉट स्टिक टूगेदर, लेकिन सैंड पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं है। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लो, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये पानी को बहुत कम रिटेन अपने अंदर कर सकते हैं, हैविंग वेरी जजब कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत स्लो है, वेरी लो। नेक्स्ट इज सिल्ट, पार्टिकल्स आर इरेगुलर इन शेप, साइज इसका जो है 0.05 to 0.002 है। सो सिल्ट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज पार्टिकल्स, क्वार्ट्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। सिल्ट पार्टिकल्स आर ड्राई इन नेचर, सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, सो मेक सॉइल फर्टाइल। इनके पास क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है, सॉइल ये फर्टाइल होते हैं, जरखेज होते हैं। क्ले स्मॉलेस्ट फंक्शन ऑफ द सॉइल विद साइज लेस देन 0.002 मिलीमीटर, फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, हैव प्लेट लाइक टू राउंडेड शेप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होता है, वेट क्ले स्टिकी सो कैन बी मोल्डेड, स्टिकी होने की वजह से हम इसे मोल्ड भी करवा सकते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर की बात करें, इसको किस किस में क्लासिफाई किया गया है. सो द फर्स्ट वन इज दिस सैंड. दिस सॉइल हैव 70% सैंड एंड 15% क्ले. अब वो सॉइल जिसके पास 70% सैंड होगी और 15% क्ले होगी, कॉमनली नॉन एज सैंडी सॉइल. उससे हम क्या कहते हैं, सैंडी सॉइल, क्योंकि इसके अंदर सैंड की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, 70% है. तो सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सैंडी सॉइल. अब टू क्लासेस ऑफ सैंडी सॉइल आर सैंड एंड लॉमी सॉइल. देयर आर टू क्लासेस ऑफ सैंडी सॉइल, सैंड सॉइल एंड लॉमी सॉइल. लॉमी सॉइल कौन सी होती है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉइल क्लास है, मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स है इसमें. ठीक है, कंसीडर्ड एज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर. थ्री टाइप्स ऑफ सैंडी सैंडी क्ले, सैंड क्ले की थ्री टाइप्स हैव मोर देन सैंड. थ्री टाइप्स हैं लॉम की, सैंड क्ले, सॉरी क्ले की. सैंड क्ले उसे कहेंगे जिसमें मोर हैविंग सैंड मोर देन क्ले, जिसमें सैंड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है क्ले की निस्बत. सिल्ट क्ले क्या हैव मोर सिल्ट, जिसमें सिल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्ले. एंड क्ले सॉइल क्या है, जिसमें ज्यादा कंसेंट्रेशन क्ले की होती है, अदर्स हैव लेस कंसेंट्रेशन. सो द नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर टू प्लांट्स. अब सॉइल टेक्सचर जो है प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट है, हाउ इट हेल्पफुल फॉर प्लांट्स ग्रोथ. फर्स्ट वन इज रिलेटिव रेजिस्टेंट टू प्लांट ग्रोथ. अब ये किस तरह से बैरियर एज ए रेजिस्टेंट एक्ट करता है प्लांट रूट ग्रोथ के लिए. सॉइल विद हाई सिल्ट एंड क्ले कंटेंट्स डू नॉट अलाउ प्लांट्स टू पेनिट्रेट डीप, सो प्लांट कैन नॉट ग्रो इजीली. अब वो सॉइल जिसके अंदर सिल्ट की कंसेंट्रेशन हाई होती है और क्ले की कंसेंट्रेशन, वो सॉइल जिसके अंदर सिल्ट और क्ले की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि प्लांट उस सॉइल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते. जब प्लांट की ग्रो रूट्स पेनिट्रेट नहीं करेंगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा इसमें से. ठीक हो गया. द नेक्स्ट वन इज सॉइल रिच इन सैंड इज मोर पोरस. अब वो सॉइल जिसके अंदर रेत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, रेत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर वो पोरस हो जाता है. पोरस होने की वजह से क्या होता है कि रूट्स जो है प्लांट की इसके अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं. पेनिट्रेट करने की वजह से रूट एक्सपेंशन ज्यादा होता है. रूट एक्सपेंड करने की वजह से प्लांट जो है वो इजीली ग्रो कर सकता है. ठीक हो गया. सो सॉइल रिच इज द बेस्ट फॉर द प्लांट ग्रोथ एज कम्पेयर टू सिल्ट एंड क्ले. द नेक्स्ट वन इज इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. रेन फॉलिंग ऑन सैंडी सॉइल पेनिट्रेट्स इमीडिएटली, सो नो वाटर लॉस एज रन ऑफ. अब वो जब बारिश होती है उस सॉइल के ऊपर जिसमें सैंड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी को वो जल्दी से जज्ब कर लेती है, क्योंकि रेत होती है उसके अंदर सॉइल के अंदर, पानी की कंसेंट्रेशन को वो जल्दी से जज्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वाटर रन ऑफ लॉस नहीं होता. ठीक है, एज रन ऑफ. सॉइल रिच इन क्ले एंड सिल्ट हैव लो पेनिट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक हो गया. सॉइल रिच वो सॉइल जिसके अंदर क्ले और सिल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसमें लो पेनिट्रेशन होती है, पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाता, जज़ब नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से वाटर लॉस और सॉइल रिमेन अनफिट फॉर प्लांट ग्रोथ. जब पानी नहीं होगा सॉइल के अंदर, कंसेंट्रेशन कम होगी, तो क्या होगा, दिस इज अनफिट फॉर प्लांट ग्रोथ. जिस प्लांट की ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल नहीं होगा. सो द नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ वाटर मूवमेंट. रेट ऑफ वाटर मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉइल टेक्सचर. वाटर मूवमेंट जो है सॉइल टेक्सचर पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा फाइन सॉइल टेक्सचर होगा उतना ही ज्यादा वो वाटर मूवमेंट इसमें ज्यादा होगी. फाइन सॉइल टेक्सचर हैव लो स्पेस टू अलाउ वाटर फॉर मूवमेंट. सैंडी सॉइल ओनली सूटेबल लॉन्ग रूटेड प्लांट्स बट नॉट फॉर नैरो रूटेड प्लांट्स. ठीक हो गया. क्ले सॉइल हैव वेरी लो परकुलेशन ऑफ वाटर. So soil becomes saturated after rain and it is unfit for plant growth. अब जो loamy soil होती है is very important for plant growth because it has silt capillaries. जब इसके पास silt capillaries होती हैं तो capillaries होने की वजह से बारिश का पानी जो है वो capillaries में जमा हो जाता है. जमा होने की वजह से क्या होता है, जब उसके ऊपर हम कोई plant grow करवाते हैं तो plant easily उस soil से water को absorb कर पाता है. Absorb करने की वजह से plant की growth क्या होगी, बहुत easily हो सकती है और अच्छी हो सकती है. The next one is water holding capacity. A fine texture soil have more surface area for holding capacity. अब fine texture soil का होगा, जितना ज्यादा fine texture होगा soil का उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो soil पानी को hold करने की capacity ज्यादा रखती होगी. So it provides more water to growing plants, have high water holding capacity. But on the other hand, poorly aerated and provide resistant root growth because of small size of particles. But अगर वो soil जिसमें aeration कम होगी, हवा जो है उसका आना जाना कम होगा, उसका क्या होगा, और root की growth उसमें resistant होगी.
बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल स्मॉल होने की वजह से, ठीक हो गया, इसलिए वो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी अच्छी नहीं होगी. फर्टिलिटी, फाइनर द टेक्सचर ग्रेटर विल बी द फर्टाइल, जितना ज्यादा अच्छा टेक्सचर होगा, फाइन होगा, उतनी ज्यादा जरखेजी होगी जमीन में. सो लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. सो लोमी सॉइल जो होती है, जिसमें लोम की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, वो बेस्ट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए. ठीक हो गया. सो इट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.